जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज है 24 मई और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इन दिनों केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, क्राउड कैसा है और साथ ही यात्रियों को केदारनाथ यात्रा पर कुछ सावधानी बरतना चाहिए, इन सभी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन अपडेट में बात करें तो आप सभी को बता दूँ, केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम बेहद ही साफ है और कल से लेकर आज तक केदारनाथ धाम में कोई भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए यात्रा जो है पूर्ण रूप से सुचारू है, सभी यात्री सुरक्षित है। और जो भी यात्री इन दिनों केदारनाथ धाम में हैं, उन्हें मौसम की तरफ से फिलहाल कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी अगले दिनों भी केदारनाथ धाम में मौसम इसी प्रकार साफ रहने वाली है। तो दोस्तों, ये रहा मौसम से जुड़े ताज़ा अपडेट कि केदारनाथ धाम में इन दिनों वेदर बहुत ही अच्छा है। भाई अब नंबर टू अपडेट में बात करें क्राउड को लेकर, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए सुबह से जो लाइन लग रही है, सुबह 2 बजे से वो लाइन रात्रि के 9 बजे तक जा रही है और इस समय क्राउड बहुत ही ज़्यादा केदारनाथ धाम पहुँच रही है, इसलिए हेलीपैड के पास तक दर्शन के लिए कतार लगा हुआ रहता है, जो कि रात्रि 9 बजे तक इसी प्रकार यात्री कतार में लगे रहते हैं। वहीं कुछ दिन पहले मामला ये था कि 2-3 बजे आते आते तक क्राउड जो है दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता था और मंदिर के पास तक दर्शन के लिए लाइन पहुंच जाता था, लेकिन इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ ही रही है और क्राउड में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और अभी भी दर्शन के लिए हेलीपैड तक कतार लग जा रहा है। तो मंदिर के पास ये मामला है कि फिलहाल जो है 2 किलोमीटर लंबी कतार दर्शन के लिए लग जा रहा है। वहीं अगर सोनप्रयाग के बारे में बात करें तो अभी भी सोनप्रयाग में वही स्थिति बना हुआ है, अभी भी सोनप्रयाग में टैक्सी के लिए 2 से 3 किलोमीटर सीतापुर के आगे तक इन दिनों जो है कतार लग जा रहा है और यात्रियों को सभी चीज़ें कतारबद्ध तरीके से ही करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस समय सोनप्रयाग में बहुत ही सख्ती से यात्रियों को लाइन में लगाकर क्राउड को कंट्रोल कर रही है। तो क्राउड जो है इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हो पाया है और अभी तक 35,000 से ऊपर श्रद्धालु हर रोज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा क्राउड से लेकर लेटेस्ट अपडेट कि अभी तक केदारनाथ धाम में क्राउड बिल्कुल भी कम नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों, नंबर 3 अपडेट में बात करें तो जो भी यात्री केदारनाथ धाम जाते हैं और टेंट में रुकते हैं और उन्हें बहुत ही आस्था पर विश्वास होता है, वे अपने महंगे सामान, फोन, ज्वेलरी जो है टेंट में छोड़कर ही मंदिर के आसपास घूमने चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा के धाम में हमारा जो सामान है सुरक्षित है, यहाँ आखिर चोरी कौन करेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इन दिनों केदारनाथ धाम में टेंट को काटकर सामान का चोरी किया जा रहा है और कल ही 4 नेपाली मूल के लोग धराए हैं, 4 नेपाली थे, यात्रियों के टेंट में घुसकर उनका सारा सामान चोरी कर ले रहे थे। पुलिस प्रशासन फिलहाल उन पर FIR दर्ज करके उनको अपने हत्थे में ले चुकी है और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी केदारनाथ धाम आते हैं, टेंट में रुकते हैं, तो अपना कोई भी महंगा सामान टेंट में न छोड़े। अगर हो सके तो आप अपने सामान को लेकर अपने साथ ही चले टेंट में। आप सभी आँख बंद करके आस्था के भरोसे छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इन दिनों जो है चोर का बोलबाला केदारनाथ धाम में बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा आज की सभी लेटेस्ट अपडेट कि केदारनाथ धाम में मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम के तरफ से आप सभी को कोई भी फिक्र नहीं करना है। अगर आप सभी के परिवार केदारनाथ यात्रा पर आए हैं तो वे पूरी तरह से सुरक्षित है। क्राउड अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है, क्राउड जो है दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और फिलहाल 35,000 से ऊपर श्रद्धालु हर रोज़ दर्शन कर पा रहे हैं। और साथ ही अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा पर आएँ तो टेंटों में अपना कोई भी महंगा सामान न छोड़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री केदार, हर हर महादेव।